देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च अदालत में यह पूरा केस चल रहा है। आज इस मामले को लेकर सुनवाई पूरी हुई है और आज ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब अपील की गई तो दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को भी खत्म किया। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट की कोलकाता मामले पर कोलकाता पुलिस पर तल्ख टिप्पणी आई, उन्होंने कहा कि बंगाल पुलिस का काम करने का तरीका ठीक नहीं है। खुद आप समझिए कोर्ट सुप्रीम कोर्ट शॉक में था, हैरान में था, हैरानगी व्यक्त की कि पोस्टमार्टम पहले हुआ एफआईआर बाद में हुई, कार्यशैली पर सवाल उठा रहे, सवाल पूछा। सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली, एफआईआर कब दर्ज किया आपने? रात 12:45 बजे। एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटों की देरी क्यों हुई? इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से भी अपील की कि आप लोग प्लीज काम पर लौटिए। और उसके बाद आप देखिए अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म करके वापस अपने कर्म क्षेत्र पर जाने का फैसला किया है। कोर्ट में काफी न्यायाधीश जस्टिस पारदीवाल स्पेशली काफी सरप्राइज थे कि ये जानकर कि किस तरीके कंडक्ट कलकत्ता पुलिस का और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इस केस में रहा है। जो डेड बॉडी थी विक्टिम की, जो डॉक्टर थी वहाँ पे, वो सुबह 9 बजे मिलने के बाद जो उनका एफआईआर हुआ रात में 11:45 पे हुआ है, तो जो लैप्सेज हुए थे उसको लेकर काफ़ी सरप्राइज थी। और जो सीबीआई है और जो पुलिस है दोनों ने अपना अपना एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया है, कोर्ट जिसको इवेल्युएट करने के बाद आगे की चीज़ें डिसाइड करेगी। हालांकि त्वरित के हिसाब से कोर्ट ने 2-3 डायरेक्शंस दिए हैं। जैसा ही कोर्ट ने कहा है कि सब रिक्वेस्ट किया कि बाकी सभी डॉक्टर्स ज्वाइन कर ले अपनी ड्यूटी और आज तक अगर उनके ऊपर में कोई भी एडवर्स एक्शन हुआ है तो उसको रोक दिया जाएगा। फ्यूचर के लिए कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तो उसको हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई, अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख आ ही चुकी है। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील विशाल तिवारी से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की है मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण ने, उनके रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल रेप हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान पर कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट का क्या कुछ आदेश है और आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं याचिकाकर्ता के वकील विशाल तिवारी। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ अहम सुनवाई हुई है? देखिए, कोर्ट में आज बहुत ही डिटेल में सुनवाई हुई। जो भी डॉक्यूमेंट स्टेटस रिपोर्ट के साथ फाइल किए गए थे उन डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से डीपली इवेल्युएट किया गया, कंसिडर किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किए गए वेस्ट बंगाल पुलिस पे कि आपने यूडी जो है अननेचुरल डेथ का केस है वो पोस्टमार्टम होने के बाद रजिस्टर किया, जो कि ऐसा नहीं होता है, तो उसको लेकर वेस्ट बंगाल द्वारा पूरा क्लियर किया गया कि नहीं, ये जो केस है हम पहले ही रजिस्टर कर चुके थे, उसके बाद पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस की जो रिपोर्ट है दोनों रिपोर्ट में विरोधाभास है, क्या कुछ वो विरोधाभास है? वो इसी टाइम को लेकर था, तो केस डायरी में एक टाइम दे रखा था, उसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि केस डायरी में क्या होता है कि हर मिनट का जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, एक्टिविटी की जाती है। जैसे मान लीजिए 11:30 बजे हम वहाँ पहुँचे, हमने ये काम किया, तो टाइम लिखा था और उसमें एक हवाला था कि यूडी हमने दर्ज किया, तो उसको एज ए रीड किया गया कि 11:30 बजे रात को दर्ज किया गया है, जबकि वो 11:30 बजे जो है वो टाइम था उनकी केस डायरी में मेंशन करने का। तो उसको क्लियर किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके ऊपर भी यूडी केस नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है केस पहले दर्ज हो चुका था। अब देखना होगा जब 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।